मानव शायद मैं अगर शॉर्ट हूं ना, अब देखिए मेरा शॉर्ट था प्रीएम्प्टिव शॉर्ट लगभग लगभग 870 के रेंज में और 850 के नीचे डिसाइसिव शॉर्ट था मेरा। मानव मेरा एक बार के लिए मन कर रहा है कि 11730 पे मैं कवर कर लेता हूं या फिर 4 में से 3 या फिर 4 में से 2 या फिर पूरी बुक कर लेता हूं। थोड़ी सी दुविधा मेरे को निफ्टी बैंक को लेकर है, सिंगल ट्रांच में 50 डीमा को अप्रोच करना कितना मुश्किल होगा, आप शॉर्ट कवर करेंगे या नहीं करेंगे, आपकी अप्रोच? देखिए अगर हम क्लियरली सेटअप की बात करें, जैसे अभी आपने बताया बैंक निफ्टी का, अगर हम देखें बैंक निफ्टी ने भी काफी टाइम के बाद अपने 13-day एवरेज के नीचे क्लोज किया, तो यूजली वो क्लोज देने के बाद एक सीरीज ऑफ डिक्लाइन हम देखते हैं द पास्ट, एंड कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म फॉर्मेशन देखें तो वीकली सेटअप काफी वीक है, एंड 3 हफ्तों के वीकली ब्रेकडाउन अगर आज हमने देखा है, मेरा ऐसा मानना है कि आगे जाके हम एक शार्प सीरीज ऑफ डिक्लाइन देख सकते हैं। सो करंट लेवल्स में मैं इनफैक्ट शॉर्ट को कवर नहीं करूंगा, बट द आइडियल स्ट्रेटजी इज टू मेंटेन अ स्टेबल स्टॉप लॉस, बिकॉज अगर हम देखें भी तो इंडिया देख सकते ऑल टाइम लो वॉलेटिलिटी से एक्सपेंशन देख रहा, तो देर इज अ हाई पॉसिबल चांस कि ऐसे हम एक ट्रेंडिंग मूव देख सकते हैं, एंड इट्स बेटर टू ट्रेड सच काइंड ऑफ अ सिनेरियो विद अ ट्रेल स्टॉप लॉस रादर देन डूइंग अ प्रिएम्प्टिव प्रॉफिट बुकिंग। ऑन द इमीडिएट बेसिस 30,100 तक हम निफ्टी में एक लोअर साइड में जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है मे बी वहां पे आए बैंक निफ्टी, तो वहां पे पार्शियल प्रॉफिट करना चाहिए। ओके तो निफ्टी पर आपके अगर आप देखें टारगेट्स अभी काफी नीचे के हैं, याद रखिए मानव लगभग 11600 का टारगेट लेके चल रहे हैं, यानी पोजिशनल ट्रेड्स शॉर्ट ट्रेड्स मानव के मुताबिक अभी भी ओपन रखने चाहिए। और निफ्टी बैंक पर जो मैं कह रहा था ना कि थोड़ा 30-300 का कॉल राइटर, उस पर थोड़ा दम दिखाई दे रहा है, पुट राइटर माफ कीजिएगा, वो मानव को बहुत अगर आप देखें प्रभावित नहीं कर रहा है, और मानव अभी भी ये मानते हैं कि शायद 50-day एक्सपोनेंशियल मीन एवरेज जो 30,167 के स्तर पर है, हम उसको भी करीब 150 और पौने 200 पॉइंट के फ्रैक्शन से तोड़ेंगे, और इसलिए मैंने टारगेट रखा है करीब 30,000 का माफ कीजिएगा। चलिए अब थोड़ा सा इंडेक्स के लेवल में हेर फेर हो सकता है 100-150 पॉइंट, लेकिन अब बात करते हैं एग्जैक्टली स्टॉक फ्यूचर्स की, मानव जिन पर आप बहुत कंफर्टेबल हैं आप शॉर्ट करने में। मानव मैं आपके ट्रेड्स को देख रहा हूं और मुझे लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक फ्यूचर्स पर भी अपने शॉर्ट्स ओपन करने का मन बनाकर बैठे हैं, बताइए आपके सेल ट्रेड कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल, मेरा फर्स्ट सेल कॉल है एक्सिस बैंक पे, अगर हम देखें तो करीब करीब एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद जिस तरह एक डिसाइसिव ब्रेकआउट आज चार्ट में आया है, एंड अबव एवरेज वॉल्यूम्स हम लास्ट 60 मिनट चार्ट में देख रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल तो डेफिनेटली एक्सिस बैंक में कंफर्मेशन आ चुका है, जो बैंक निफ्टी को भी काफी वीकनेस दे सकता है। इसमें सेल करने की सलाह है, 796 का अपसाइड में स्टॉप लॉस है, जो लोअर साइड टारगेट है 760 का है। मेरा सेकेंड सेल कॉल रहेगा केटीके बैंक में, अगर हम देखेंगे तो केटीके बैंक में ब्रीफ करेक्टिव रैली अपसाइड देखिए, वहां से एक ब्रेकडाउन देखा है, बेसिकली इट्स अ फ्लैट ब्रेकडाउन, यूजुअली ये फॉर्मेशन एक शार्प सेल ऑफ विटनेस करते हैं बिकॉज इट्स इन अ करेक्टिव रैली, एंड आगे जाके एक नया लो बनाने की संभावना है। अपसाइड में 108 का स्टॉप लॉस रहेगा, लोअर साइड टारगेट 100 का है। मेरा थर्ड सेल कॉल रहेगा अशोक लेलिन पे, अगर हम देखें तो स्टॉक ने एक डेली चार्ट पे एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन दिया है, इसके शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स भी सेल मोड पे हैं, ऑसिलेटर्स अभी भी काफी बेरिश टेरिटरी पे है, तो नियर टर्म वीकनेस स्टॉक में कंटिन्यू रह सकती है। 88 का अपसाइड में स्टॉप लॉस है, लोअर साइड टारगेट 81, और मेरा आखिरी सेल रहेगा जुबलेंट फूड पे। इनफैक्ट जुबलेंट फूड के चार्ट देखे तो अपने जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास जो सपोर्ट ले रहा था उसमें एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन देखा है, एंड अगर हम 30 मिनट चार्ट्स भी देखे तो उसमें जिस तरह ब्रेकडाउन आया है विद अबव एवरेज वॉल्यूम एक क्लियर संकेत दे रहा है कि आज एक शार्प डाउनसाइड देख सकते हैं। अगर इसका वीकली चार्ट भी देखे तो काफी वीक है, तो अपसाइड में 1310 का स्टॉप लॉस रहेगा, लोअर साइड टारगेट है 1220 का। जी तो देखिए ये कुछ एग्रेसिव ट्रेड्स हैं और यही मानिए बहुत एग्रेसिव ट्रेड्स हैं एक्सिस बैंक पे शॉर्ट कॉल, तो याद रखिएगा मानव के ट्रेड्स, लेकिन मानव अच्छी खबर होगी जब बाजार रिएक्ट ना करे ना तो आप समझ लीजिए कि बाजार वाकई तंग है। एक बार पिरामिड एंटरप्राइजेस लेके आइए प्लीज, आज सुबह श्रीराम ट्रांसपोर्ट से एग्जिट करने की एक अच्छी खबर थी, वो ऑफलोड करना, उसको बाजार ने एक बार के लिए थम्स अप दिया, स्टॉक लगभग 2120 की ट्रेजरी में गया, अब 2120 से लगभग अब आ चुका है 2006, क्या जोरदार गिरावट है। बात इस इंटरडे की गिरावट में एक और चीज है मानव कि अब मैं इस स्टॉक को दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, स्ट्रेंथ अबाउट 2000 और वीकनेस बिलो 2000, आपके अप्रोच क्या रही इस स्टॉक पे? बिल्कुल, इनफैक्ट इस स्टॉक में काफी एक रेंज बाउंड काइंड ऑफ अ वॉलेटिलिटी हमने देखी है, जिस तरह का
प्राइस स्ट्रक्चर है, आई थिंक मेरा ऐसा मानना है स्टॉक एक ब्रॉडर रेंज में ही ट्रेड करेगा, तो उसके चलते अगर ऑसिलेटर्स भी देखें काफी वीक ही संकेत कह रहे, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई बाउंस बैक आए तो उसमें एग्जिट या सेल शॉर्ट सेल भी करे, मे बी इसमें लोअर साइड में बाइंग नहीं करना चाहिए। ओवरऑल आई थिंक इसके ट्रेडिंग फॉर्मेशन काफी वीक है, उसको अवॉइड भी करके चलेंगे बिकॉज ओवरऑल इट्स क्वाइट अ रेंज बाउंड काइंड ऑफ बैंक इन द नियर टर्म। ओके, चलिए इस बीच आप देखें पिरामल एंटरप्राइजेस के बाद एक और स्टॉक, एक और शेयर जो इसी तरह देखें अक्षर से शुरू होता है, वो है पीवीआर। आपने पीवीआर को सुबह सुबह देखा होगा तो आज कहोगे यार यार क्या हुआ इस ट्रेड इस स्टॉक को। अमूमन ऐसे इस तरीके से अगर आप देखें पीवीआर नहीं गिरता है, आज ये स्टॉक गिर के सडनली अगर आप देखें सिर्फ दो सेशन में अपने 10.20 को तो तोड़ ही दिया, 50 डे एक्सपोनेंशियल मीन एवरेज को तोड़ दिया और 100 डे एक्सपोनेंशियल मीन एवरेज को भी तोड़ दिया। अमूमन ये स्टॉक ऐसा नहीं करता है। दीपाली इस वक्त है न्यूज से बातचीत करने के लिए। दीपाली एग्जैक्टली ये कारण क्या है, सडनली आप देखें इतना बड़ा सेटबैक क्या लगा, क्या मिला इस स्टॉक को या फिर इस कंपनी को जिसके चलते ये एक दिन की इतनी बड़ी गिरावट देखने में मिल रही है? थैंक यू वीरू। पीवीआर डेढ़ों पर ट्रेड कर रहा है, उसके पीछे कारण यह है कि सीएलएसए ने आज एक नोट जारी किया है और उस नोट की कुछ बारीकी आपको बताएं तो पीवीआर ही नहीं कुछ रिटेल कंपनी, मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स और होटल स्टॉक्स सब पर इंपैक्ट आ सकता है। दरअसल जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नॉर्म्स हैं 17 वो अब तक लागू थे और अप्रैल से नए नॉर्म्स लागू हुई हैं जो कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 है और इन नियमों के मुताबिक इन कंपनीज की जो बैलेंस शीट पर उन पर इंपैक्ट आ सकता है। इंपैक्ट क्यों आ सकता है, जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉर्म्स थे उसमें यह होता था कि जो ये कंपनियां लीज करती हैं एक्चुअल में जो रिटेल कंपनीज होती हैं मल्टीप्लेक्सेस होते हैं तो होटल होते हैं लॉन्ग टर्म लीज करते हैं 9 साल का 15 साल का 20 साल का 25 साल का और पुराने नियमों के मुताबिक जो इनका रेंटल कॉस्ट होती थी वो इनकी एबिटा के ऊपर फ्लोट होती थी बैलेंस शीट में, यानी या तो अदर एक्सपेंसिस में दिखाते थे या फिर रेंटल कॉस्ट में दिखाते थे तो इनके बैलेंस शीट पर कोई इंपैक्ट नहीं आता था। लेकिन नए नियमों के मुताबिक इनको लीज लायबिलिटी करनी होगी और ये बैलेंस शीट पर रिफ्लेक्ट होगा। होगा ये कि जो इनकी रेंटल कॉस्ट होगी लॉन्ग टर्म रेंटल कॉस्ट वो या तो डेप्रिसिएशन के अंदर आएगी या फिर फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आएगी, जिससे इनका एबिटा तो बढ़कर दिखेगा, इनके एबिटा मार्जिन बढ़कर दिखेंगे रेवेन्यूज में क्योंकि कोई चेंज नहीं होगा तो एबिटा मार्जिन तो बढ़कर दिखेंगे लेकिन इनके प्रॉफिट इनिशियल ईयर्स में घटेंगे। तो बहुत ब्लोटेड बैलेंस शीट इन कंपनियों की रिफ्लेक्ट होगी इन नए नॉर्म्स के लागू होने के बाद। यही चिंता सीएलएसए ने भी जताई है पीवीआर को लेकर और कुछ और स्टॉक्स को लेकर कि आप इन नए नॉर्म्स के मुताबिक इतनी कंफ्यूजिंग इतनी ब्लोटेड बैलेंस शीट हो जाएगी जहां पर एबिटा मार्जिन बढ़कर दिखेंगे, मुनाफा आपका घटकर दिखेगा, रेवेन्यूज में कोई बदलाव नहीं होगा, इसीलिए इनकी फाइनेंशियल्स पर इंपैक्ट आ सकता है क्योंकि अब लीज लायबिलिटी इन कंपनीज को क्रिएट करनी होगी। ये लीज लायबिलिटी जो कि लॉन्ग टर्म होती है ये इनकी बैलेंस शीट पर दिखेगी। यही कारण है कि ये स्टॉक आज दिन के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट पीवीआर नहीं आईनॉक्स अरविंद फैशन आदित्य बिरला फैशन ये स्टॉक्स भी कुछ ऐसे जिन पर इंपैक्ट इसका दिख सकता है नए नियमों का। जी हाँ, तो अगर आप देखें ये नए नियमों को लेकर सीएलएसए ने चिंता जताई है जिसका अगर आप देखिए इंपैक्ट आपको आने वाले क्वार्टर्स में मिलेगा। दीपाली शुक्रिया। मानव वाकई अगर आप देखें ये जो 1690 का लेवल था ना, अब तो हालांकि स्टॉक काफी नीचे है, 1630 के स्तर पर है, 60 रुपए मेरे उस लेवल से भी नीचे है जहां पर एक बड़ा क्रिटिकल नेकलाइन बेस था। मान लीजिए जो शॉर्ट था वो क्या करे अभी यहाँ पर और जो लॉन्ग था वो क्या करे, उन्हें कैसे अप्रोच करना चाहिए इस स्टॉक को? अब देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्टॉक ने एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन दिया है और जो सेटअप रहा है ऑन द वीकली पर्सपेक्टिव एक शॉर्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटर सेटअप था, कहीं ना कहीं एक राउंडिंग टॉप था एंड जिस तरह ब्रेकडाउन हुआ है मेरा ऐसा मानना है वन हैज टू बी रिस्क अवर्स इन दिस एंड जो शॉर्ट है डेफिनेटली अपने वन शुड हैव अ ट्रेल स्टॉप लॉस, इनफैक्ट 1695 का ट्रेल स्टॉप लॉस होना चाहिए। जो लॉन्ग पोजिशन में बैठे हैं दे शुड डेफिनेटली एग्जिट फ्रॉम दिस पोजिशन बिकॉज मेरा ऐसा मानना है जिस तरह ब्रेकडाउन हुआ है देयर इज अ हाई लाइकली चांस ये आगे जाके नेक्स्ट 200 डे मूविंग एवरेज का इसका सपोर्ट बैठता है विच इज अनदर 8-12% ऑन द लोअर साइड, जो लोअर साइड 1535 का टारगेट है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें एक शॉर्ट टर्म कोई भी बाउंस बैक आए मे बी 1695 का ट्रेल स्टॉप लॉस एंड या फ्रेश शॉर्ट पोजिशन के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक 1600 के नीचे अगर स्टॉक जाएगा तो इसमें एक शार्प सेल ऑफ देखने मिल सकता है। जी हाँ, तो देखिए अब तक के जितने हम ट्रेड्स की बात करी, हमने निफ्टी की बात करी, निफ्टी बैंक की बात करी और हमने मानव के चार ट्रेड्स के बारे में बात करी, चारों के चारों सेल ट्रेड थे, पीवीआर सेल और पेमल एंटरप्राइजेस वीकनेस बाजार में है। तो बाजार में अगर आप देखें तो इस वक्त यही कुछ थोड़ी कम बात करेंगे
कम ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे और जितना कम बात करेंगे शायद ट्रेड्स के बारे में उतना अच्छा रहेगा। ये वीक स्ट्रक्चर्स थे, पुल बैक की भी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है फ्यूचर्स एक्सप्रेस में और ब्रेक के बाद विषय को थोड़ा सा बदलेंगे, मूड को थोड़ा सा लाइट करेंगे और माहौल को थोड़ा खुशनुमा करेंगे और बात करेंगे कल शाम की, कल रात की, जी हाँ, भारत पाकिस्तान मैच की और वर्ल्ड कप के, चलिए ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में।